वेलकम टू टॉपर्स कोर्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने शुरू किया था क्लास नाइन्थ की सीरीज, ठीक है, और उसमें हम पढ़ा रहे थे ट्राइंगल चैप्टर। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टू पार्ट एंड नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टूडे। ओके, सो प्लीज बी विद मी एंड नाउ द फर्स्ट पार्ट हैज टॉक्ड अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, अबाउट द एंगल एंड साइड एंड देन सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो टॉक्स अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज फोर टर्म्स विच वी टुक, ठीक है, दैट इज वन इज मीडियन, एक था हमारा ऑल्टीट्यूड, एक था सेंट्रॉइड और एक था ऑर्थो सेंटर, ठीक है। नाउ वट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज अनदर फोर इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज कनेक्टेड विद द ट्राइंगल, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट आठ टर्म्स हैं, एट टर्म्स, ठीक है, एंड दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर ऑलवेज आस्क इन एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू आर गोइंग टू सिट। ओके, सो लेट्स सी विच इम्पॉर्टेंट टर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे। सो नंबर वन टर्म विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज इन सेंटर। वॉट इज दिस? इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर। और उसके बाद में एक वर्ड जो और हम डिस्कस करने वाले हैं, एक टर्म, दैट इज सरकम सेंटर। बोलिए, ठीक है, दैट इज वॉट, सरकम सेंटर। तो मतलब एक हम इन सेंटर डिस्कस करेंगे और दूसरा टर्म हम डिस्कस करेंगे सरकम सेंटर। अभी इन सेंटर से ही रिलेटेड एक वर्ड है, दैट इज इन सर्किल एंड सर्कम सेंटर से रिलेटेड एक वर्ड है, दैट इज सर्कम सर्किल। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन सेंटर। ओके, इन सेंटर, अभी हमने पहले देखा इन लास्ट वीडियो, ठीक है, हमने क्या देखा कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग अ ट्राइंगल, ठीक है, and I name the vertices A, B and C, then what we can do, sorry, we can do is we can draw a median. हम यहाँ median draw कर सकते हैं, कैसे? ये और ये equal होना चाहिए mid point से। दूसरा हमने ये देखा कि हम इस पर altitude भी draw कर सकते हैं जो कि 90 degrees पर बनाता हो, ठीक है। अब हम triangle के साथ और क्या operation कर सकते हैं? तो हम triangle के साथ और दो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखिए यहाँ ध्यान से, इसके एक तो एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। बोलो भाई, एंगल को बाइसेक्ट करा दे, तो मतलब ये फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है भाई, अगर हम इसको बाइसेक्ट करा दें तो एंगल को हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। एक हम क्या कर सकते हैं, इसके साइड्स को भी तो बाइसेक्ट कर सकते हैं, तो इतने ऑपरेशन हम इस पर कर सकते हैं। तो जब हम साइड को बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ से इस तरह से साइड बाइसेक्टर लगेगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? मतलब ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं इन सेंटर टर्म्स, हम देख रहे हैं इन सेंटर टर्म। तो इन सेंटर को देखने के लिए हमें सबसे पहले एंगल बाइसेक्ट कराना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, अभी हमने क्या किया, उसका एंगल बाइसेक्ट कर दिया, ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपने शायद क्लास सेवन्थ में ही सीख लिया होगा, ठीक है, या फिर क्लास एट में सीख लिया। अगर नहीं सीख लिया है तो आप इसे सीखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी कोई एंगल है ये, इसे हमें बाइसेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक आर्क लगाते हैं, इस आर्क से एक पॉइंट लेते हैं इस तरह, और इधर से एक पॉइंट लेते हैं इस तरह, और ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, एंड दिस बिकम्स द एंगल बाइसेक्टर, दिस लाइन, विच लाइन, ओ ए। सो ओ ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ क्यू। ओके, इज देयर एनी डाउट? तो डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, मतलब ये एंगल पी ओ क्यू है, इसका बाइसेक्टर कौन है, एंगल बाइसेक्टर कौन है, ए ओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। एक बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया हमने, एक बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया हमने, और एक बाइसेक्टर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये। बोलो भाई, अब जो तीनों बाइसेक्टर हो गए, इसका मतलब कि कितने बाइसेक्टर्स हो सकते हैं, आई एम सॉरी, तो अ ट्राइंगल, देखिए यहाँ पर अ ट्राइंगल हैव हाउ मच बाइसेक्टर्स, थ्री एंगल बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल ही होते हैं, तो तीन ही बाइसेक्टर भी होंगे भाई, ठीक है। अब ये सारे बाइसेक्टर्स को अगर हम मिला देते हैं, खींच देते हैं इस पर, तो एक हमें फिर से मैजिक देखने को मिलेगा। वो मैजिक क्या है कि ये एक पॉइंट पर जा करके इंटरसेक्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या फिर हम अगर इसे दूसरे भाषा में कहें, दूसरे वर्ड में, तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स
ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं इन सेंटर, क्या बोलते हैं भाई, इन सेंटर। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर, ठीक है। तो हमने इन सेंटर देख लिया कि इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। बोलो कितनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल लेट्स कम इन फोकस, ये है, अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमने इसका क्या किया, यहां से और यहां से एंगल बाइसेक्टर्स बनाए, ये लो बनाया, ये देखिए बनाया, और एक ये देखिए बनाया। अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पर O मिल गया, O इज व्हाट, O इज इन सेंटर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई, O अगर इन सेंटर है तो अगर हम मेजर करेंगे तो P Q R इस पॉइंट को ले लेते हैं, तो हमेशा O P O R O Q ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, मतलब O P इज इक्वल टू O Q होगा और O R, यानी कि ये क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब बराबर होंगे तो हम इनको क्या ले सकते हैं, रेडियस ले सकते हैं, किसका, एक सर्कल का, और इसको रेडियस मानते हुए हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। बोलो अभी आपका होम टास्क ये है कि आप क्या करो, एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाइए, उसमें क्या करिए, एंगल बाइसेक्टर्स बनाइए, उसके जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यानी कि उसका इन सेंटर बनाइए, और इन सेंटर से एक इन सर्कल खींचिए। अभी ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, और ट्रायंगल के अंदर सर्कल है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इन सर्कल, क्या बोलेंगे, इन सर्कल। तो इन सर्कल क्या होगा, इन सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है कि भैया इट इज द इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, विच टचेस ऑल द साइड, और जो इस पर जो है सर्कल बनता है, इन सर इन सॉरी इन सेंटर को सेंटर मानते हुए, और ओ पी ओ क्यू ओ आर इनको हम रेडियस मानते हुए जो सर्कल बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे लगता है आपके समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्या, सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल, ठीक है। अब आते हैं सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल देख लेते हैं। जैसे कि ये इन है, इन वर्ड मतलब अंदर, मतलब ट्रायंगल के अंदर, और सर्कम सर्कम मतलब जैसे ये सर्कल होता है तो ये सर्कल का क्या होता है, सर्कमफेरेंस, तो इसी तरह से सर्कम मतलब बाहर का। अब देखते हैं बाहर क्या होता है, देखिए अगर हम देखते हैं बात सर्कम सेंटर क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, देखिए एक मिनट, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर एक ट्रायंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एंगल बाइसेक्ट कर सकते हैं और साइड बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो एंगल हम बाइसेक्ट कर चुके हैं इन सेंटर के लिए, अभी सर्कम सेंटर पाने के लिए हम इसके साइड्स को बाइसेक्ट करेंगे। ये साइड है, ये साइड है, अभी किसी भी लाइन को कैसे बाइसेक्ट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है ए बी, और इसे बाइसेक्ट करना है तो हम एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और एक आर्क नीचे लगाएंगे यहाँ से, और उसके अंत में एक आर्क इससे यहाँ लगाएंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। बोलो भाई अब ये क्या हो गया, ये मान लीजिए OP है, तो OP क्या हो गया, OP इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब ये AB का बाइसेक्टर हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब इसी तरह से हम ट्रायंगल पर क्या करेंगे, बाइसेक्टर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये ABC है, ठीक है, देखते हैं, तो A और B का बाइसेक्टर बनाने के लिए हमने दो आर्क यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, अब इनको मिला दिया तो ये बाइसेक्टर बन गया। बोलो भाई उसी तरह से इसका इसका बाइसेक्टर ये बन गया, उसी तरह से इसका इसका बाइसेक्टर एक बन जाएगा, ठीक है। अब हम एक अच्छा सा ट्रायंगल बनाते हैं और इसका बाइसेक्टर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, लो भाई देखो इसका हमने बाइसेक्टर बनाया तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, जरूरी नहीं है ये एंगल से जाए, ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखना। इसका इसका बाइसेक्टर बनाया तो ये बन गया, इसका इसका बाइसेक्टर बनाया तो ये बन गया। बोलो भाई अब ये क्या बन गया, एक पॉइंट हो गया, यहाँ भी एक मैजिक हो गया, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर कितने साइड बाइसेक्टर, तो साइड बाइसेक्टर जो है कितने हो सकते हैं, बाइसेक्टर कितने हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, थ्री, क्यों, क्योंकि साइड्स कितनी हैं, साइड्स हैं तीन, तो साइड बाइसेक्टर कितने हैं, साइड बाइसेक्टर तीन। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अभी क्या है, जितने साइड्स बाइसेक्टर हैं अगर हम उनको मिला देते हैं तो वो क्या बना देगा, सर्कम सेंटर, क्या बना देगा, सर्कम सेंटर। अब आगे बढ़ते हैं, सर्कम सेंटर को सेंटर मानते हुए और इसको सॉरी इसको यानी कि अगर हम मान लेते हैं इस ट्रायंगल को ए बी और सी,
इस तरह से कुछ हम इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस माननी पड़ेगी किसे, जो ये साइड्स हैं, ठीक है। ये साइड है, यहाँ से ओ है मान लीजिए ये, तो ओ ए हम इसको एक सेंटर मानते हैं, ठीक है। अब सॉरी रेडियस मानते हैं, इसको हम रेडियस मानते हुए जो सर्कल बनाएंगे, और वो सर्कल इस तरह से बनेगा कि इन सब जो वर्टिसेस हैं इनको टच करता हुआ बनेगा। मतलब जो सर्कम सेंटर है उसकी एक खासियत होती है, सॉरी हाँ सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल, ये बनेगा क्या, सर्कम सर्कल बनेगा। सर्कम सर्कल की वो खासियत होती है कि इट टचेस, क्या करता है भाई, इट टचेस ऑल द वर्टिसेस, वर्टिसेस जितने भी वर्टिसेस होंगे इसके उनको टच करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमने एक सर्कम सर्कल बनाया है, तो वो इस तरह से बनेगा सबको टच करता हुआ। अब इसका सेंटर कैसे निकलेगा, साइड बाय सेक्टर, सिंपल सी बात है, ये साइड बाय सेक्टर, ये लो ये भैया इसका हो गया सेंटर। अभी रेडियस कितना होगा, यहाँ से किसी भी साइड पर जो डिस्टेंस होगी इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस। तो अभी हमने कई सारे टर्म्स पढ़ लिए, ठीक है। अब आप लोग क्या होंगे, इसमें कन्फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं एक फाइनली एक टेबल बना देता हूँ जिससे आपके दिमाग में सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और ये हमेशा आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है भाई। अभी देखिए, एक तो हो गया मीडियन, एक हो गया हमने पढ़ा ऑल्टीट्यूड। अब ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, ये वाली वीडियो यहाँ पर खत्म हो रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इसमें सब कवर कर चुके हैं, ठीक है भाई। मीडियन हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर बोलो भाई, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा साइड बाई सेक्टर, क्या पढ़ा, साइड बाई सेक्टर बोलो भाई। अब देखो, एक ट्रायंगल की बात करें अगर, तो एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, तीन मीडियन। एक ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड, तीन ऑल्टीट्यूड। एक ट्रायंगल में कितने बाई सेक्टर, तीन बाई सेक्टर। एक ट्रायंगल में कितने साइड बाई सेक्टर, तीन बाई सेक्टर बोलो भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अभी अगर सारे मीडियन जहां मिलते हैं उस इंटरसेक्शन को, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम यहां पर क्या बोलेंगे, इस केस में हम बोलेंगे मीडियन में सेंट्रॉइड बोलो भाई, क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। अभी ऑल्टीट्यूड वाले केस में हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो भैया, ठीक है, यानी कि ऑर्थो सेंटर। उसके बाद में जब एंगल बाइसेक्टर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर, क्या बोलेंगे, इन सेंटर। एंगल कहाँ होता है, अंदर होता है, अंदर की तरफ बाइसेक्ट कर रहा है, तो वैसे याद रखो कि अंदर की तरफ बाइसेक्ट कर रहा है तो हम इसे इन सेंटर ही बोलेंगे बोलो भाई, ठीक है। अब साइड बाइसेक्टर आया, साइड बाइसेक्टर को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, सरकम सेंटर, क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। अब देखना जरा, सेंट्रॉइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। अब इन सेंटर से हम एक सर्किल बनाते हैं ट्रायंगल के अंदर, सर्किल अंदर की तरफ सर्किल बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्किल, मतलब ट्रायंगल के अंदर जो वाला सर्कल, ठीक है भाई। और सर्कम सेंटर से हम ट्रायंगल के बाहर वाला सर्कल बनाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल, यानी कि सर्कम यानी कि बाहर वाला सर्कल, ठीक है भाई। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जो कि आज हमने कर दिए खत्म। अब आगे बढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, एंगल की, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ट्रायंगल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं अभी बता देता हूँ तुरंत, देन यहीं पर क्लिक कर देते हैं इसको। एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, ये मैं बता भी चुका हूँ आपको, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी कहने का मतलब, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें याद रखना है कि जितने भी एंगल होंगे एक्स वाई और जेड, जितने भी एंगल इसके अंदर होंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, सबका सम हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, और उस क्वेश्चन के साथ इस क्लास को ओवर करते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए तो इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल है जो कि ए बी और सी है, ठीक है भाई। अभी हम दे देते हैं इसको एक्स, ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं इसको वाई बोलो भाई, और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी बोलो भाई। इतनी बात समझ में आ गई। और इफ क्वेश्चन है, इफ एंगल सी बराबर 90 डिग्री, अगर एंगल सी जो है ये कितना है, 90 डिग्री है, तो फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक्स, ये देखिए एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल सी है, ये 90 डिग्री है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है आपको। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए ये टॉपिक आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, ट्रायंगल, ठीक है। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर बंद करते हैं,
और एंड कीप सपोर्टिंग प्लीज, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और अपने और भी दोस्तों को इस वीडियो तक पहुँचाए, ठीक है? ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे.